हेलो फ्रेंड्स, बीना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये खूबसूरत सा डोरमेट का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन के लिए हमें तीन कलर की ऊन चाहिए और 9 नंबर की सिलाई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पहला कलर येलो कलर लिया है और इस कलर से फंदे डालने हैं। तो एक नोट बना लेंगे, एक फंदा हमारा ये नॉट से हो गया, एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ फंदे येलो कलर से डालने हैं। और फिर मैं दूसरा कलर रेड कलर ले रही हूँ, इससे भी एक नोट बना के 8 फंदे डालने हैं। एक फंदा हमारा ये नोट से हो गया और ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ, दोनों कलर से 8 फंदे डालने हैं। फिर उल्टी साइड है, इस सिलाई को हम जो फंदे जिस कलर से उसी कलर से बुन लेंगे। एक, दो, तीन, इस तरह फंदे डालने से पहली सिलाई थोड़ा टाइट होती है। चार, पाँच, छः, सात और ये आठ, आठ फंदे हमने रेड कलर वाले रेड कलर से बना लिए हैं। अब येलो कलर वाले 8 फंदे येलो कलर से बनाने हैं। तो रेड कलर को ऐसे धागा ऐसे क्रॉस करके इस साइड ले लेना है और रेड कलर वाले फंदे रेड कलर वो येलो कलर वाले येलो कलर से बनाने। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और ये आठ। तो आठ आठ फंदे हमने दोनों कलर से बना लिए हैं। अब इस साइड हमें क्या करना है, यहाँ 2 फंदे हमें छोड़ने हैं। तो एक फंदा ये हो गया और एक ये, 2 फंदे छोड़ दिए। फिर बाकी फंदे येलो कलर वाले येलो कलर से बनाने हैं और रेड वाले रेड कलर से। तो दो, तीन, चार, पाँच, छः, यहाँ हमें फिर तीसरा कलर लगाना है और 8 फंदे तीसरे कलर से बना लेंगे। एक, दो, तीन, इस धागे को ऐसे आगे लेते जाएंगे, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। अभी सीधी साइड है, यहाँ हमें अब फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ एक फंदा बढ़ाना है, तो ऐसे सिलाई में धागा लपेट के एक फंदा बनाया और 8 फंदों को उल्टा बुन देना है। क्रीम कलर से क्रीम कलर वाले फंदे उल्टे बुन देने हैं। फिर धागे को पीछे करना है और येलो कलर को आगे लाके, एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। 2 फंदे हमने पिछली सिलाई में छोड़ दिए थे,
फिर यहीं से वापस मुड़ जाएंगे और दो फंदे फिर इस सिलाई में छोड़ देंगे। तो एक और ये दो फंदे बिना बुने उतार लेंगे, फिर बाकी येलो वाले फंदे येलो कलर से बनाएंगे। एक दो तीन चार, उल्टी सिलाई में हमारे दो दो फंदे कम होते रहेंगे। अब हमें यहाँ फिर रेड कलर लगाना है, दो दो सिलाइयाँ हमें हर कलर से इधर बनानी है। दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, और एक फंदा हमने बढ़ाया था ये भी रेड कलर से बना देना है, तो नौ फंदे हो गए। तो चार फंदे हमें बढ़ाने हैं, एक फंदा हमने बढ़ा लिया था, अब एक फंदा इस सिलाई में बढ़ाएंगे। तो ऐसे धागा लपेटना है तो एक फंदा हमारा ऐसे बढ़ जाता है, और बाकी रेड कलर वाले फंदे रेड कलर से बनाएंगे। फिर धागा पीछे किया और येलो कलर को आगे लाना है, येलो कलर से एक दो तीन और ये चार फंदे येलो कलर से बना लेंगे। फिर दो फंदे ये जो हमने पिछली सिलाई में छोड़े थे इन्हें यहीं रहने देना और यहीं से वापस मुड़ जाना है। फिर इस सिलाई में दो फंदे फिर हम इस सिलाई में छोड़ देंगे, एक और ये दो, फिर इन दो फंदों को येलो कलर से बना लेंगे। एक दो, अब इस बार हमने कलर चेंज करना है तो यहाँ क्रीम कलर लगाएंगे। दो सिलाइयाँ हमें क्रीम कलर से बनानी है, दो सिलाइयाँ रेड कलर से। तो दो फंदे हो गए, तीन चार पाँच छः सात आठ, और दो फंदे बढ़ाए थे ये भी उल्टे बुन देंगे क्रीम कलर से, तो 10 फंदे हो गए। फिर इस सिलाई में हमें एक फंदा बढ़ाना है, तो ऐसे धागा लपेटा सिलाई में और क्रीम कलर वाले फंदे क्रीम कलर से बनाने। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11, 11 फंदे हो गए हमारे, 3 फंदे बढ़ गए हैं। फिर धागा अपनी तरफ करना है, सॉरी अब येलो कलर के हमारे पास दो फंदे रह गए थे तो इन्हें यहीं छोड़ देंगे। इस सिलाई में दो फंदे ये छोड़ देंगे और फिर यहाँ कलर चेंज करना है तो रेड कलर लगाना है, और रेड कलर से सारे फंदे उल्टे बुन देंगे। तीन फंदे हमने बढ़ा लिए, एक फंदा और बढ़ाना है, तो धागे को ऐसे सिलाई में लपेट के एक फंदा और बढ़ गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, तो ये हमारे पास अब 12 फंदे हो गए। 8 फंदे थे रेड कलर वाले हमारे यहाँ, तो बढ़ा के हमने 4 फंदे हमारे और बढ़ गए हैं, तो 12 फंदे हो गए। अब इस सिलाई में हमें कलर चेंज करना है और फंदे भी छोड़ने हैं, दो फंदे फिर छोड़ देंगे और यहाँ से फिर येलो कलर से सारे फंदे, सॉरी क्रीम कलर से सारे फंदे उल्टे बुन देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सीधी सिलाई में हमें क्या करना है, पहले हम इधर एक एक फंदा बढ़ा रहे थे तो 4 फंदे हमारे पास बढ़ गए थे, दो चार छः आठ, 8 फंदे हमारे पास थे और 4 फंदे हमने बढ़ा दिए। अब इन 4 फंदों को हमें कम करना है, तो दो फंदों का एक कर देना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ,
और दो फंदे हमने ये पिछली सिलाई में छोड़े थे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। फिर दो फंदे इस सिलाई में छोड़ने हैं। अब हमें यहाँ रेड कलर लगाना है और रेड कलर से सारे फंदे उल्टे बुन देने हैं। एक फंदा हमने पिछली सिलाई में घटाया, अब एक फंदा फिर कम कर देंगे। तो दो का एक करके एक फंदा हमारे यहाँ घट गया। फिर दो, तीन, चार, पाँच, छः, दो फंदे पिछली सिलाई में छोड़े थे तो इन्हें यहीं छोड़ के फिर यहीं से वापस मुड़ जाने हैं। दो फंदे हम फिर इस सिलाई में छोड़ेंगे, एक और ये दो। फिर यहाँ कलर चेंज करना है तो यहाँ फिर क्रीम कलर लगाना है। एक, दो, तीन, चार, चार फंदे क्रीम कलर से बनाए। फिर इस सिलाई में हमें एक फंदा घटाना है तो दो फंदों का एक करना है। तीन फंदे क्रीम कलर से बना लेंगे, फिर यहीं से वापस मुड़ जाना है। दो फंदे फिर हम इस सिलाई में छोड़ेंगे और इस फंदे को, एक फंदा बचा है इसको हम क्रीम कलर से ही बना देंगे। अब हमने क्या करना है, आठ फंदे तो हमारे पास ये बचे हैं, दो, चार, छः, आठ, फिर दो, चार, छः, आठ। अब एक फंदा हमारे पास बचा हुआ है, इसे भी हम ऐसे दो का एक कर देंगे और इस फंदे को भी क्रीम कलर से बना लेंगे। अब इस सिलाई में हमें क्या करना है, जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बुन देने हैं। तो दो फंदे रेड कलर को आगे लाए और रेड कलर से बुन दिए। फिर धागा पीछे किया, क्रीम कलर को आगे लाए, ये दो फंदे क्रीम कलर वाले क्रीम कलर से बना लेंगे। फिर धागा पीछे किया, रेड कलर को आगे लाए, दो फंदे रेड कलर से बुन दिए। फिर धागा पीछे किया, अब येलो कलर को हमें आगे लाना है और येलो कलर से जो फंदे हमने छोड़े थे सारे येलो कलर से बना देने। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। अब इस सिलाई में क्या करना है, आठ फंदे हम येलो कलर से बनाएंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। अब जैसे हमने फंदे डाले थे वैसे ही हमारे पास ये आठ फंदे येलो कलर से हैं और आठ फंदे रेड कलर से बना लेने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। फंदे हमने, आठ फंदे हमने येलो कलर से डाले थे, आठ फंदे रेड कलर से डाले थे, तो फिर हमारे पास वही फंदे वापस आ गए हैं। तो एक डिब्बी हमारी यहाँ, सॉरी, एक कली हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था फंदे डालने के बाद, वैसे ही फिर हमने यहाँ से शुरू करना है। तो मैं एक बार शुरू करके फिर आपको बता देती हूँ। इस सिलाई में हमें क्या करना है, पूरी सिलाई उल्टी बुन देनी है। फंदे डालने के बाद हमने क्या किया था, रेड वाले फंदे रेड से बनाए थे और येलो वाले येलो से बनाए थे। तो इस सिलाई में ना तो हमारे फंदे घटेंगे ना ही बढ़ेंगे। अब दूसरी सिलाई है, दूसरी सिलाई में यहाँ हमें फंदे छोड़ने हैं। तो दो फंदे हम यहाँ छोड़ देंगे, एक ये फंदा हो गया, एक ये, इन दो को ऐसे बिना बुने उतार लेंगे। अब बाकी येलो फंदे येलो कलर से बना लेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, रेड वाले अब हम
क्रीम कलर से बनाएंगे। यहाँ फिर हमें कलर चेंज करना है, तो यहाँ क्रीम कलर लगाएंगे। आठ फंदे क्रीम कलर से बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ। अब यहाँ हमें सीधी सिलाई में जैसे हमने यहाँ फंदे बढ़ाए थे वैसे ही इधर एक फंदा बढ़ाना है, तो ऐसे सिलाई में धागा लपेटा और आठ फंदे, फिर एक फंदा ये हो गया, नौ फंदे हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। इस धागे को पीछे किया, येलो कलर को आगे लाना है और बाकी येलो कलर से एक दो तीन चार पाँच और ये छः। दो फंदे हमने छोड़े थे पिछली बार, इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ से वापस मुड़ जाएंगे। फिर दो फंदे हम इस सिलाई में छोड़ देंगे। बाकी के चार फंदे येलो कलर से बना लेंगे, दो तीन चार। अब यहाँ फिर कलर चेंज करना है, तो इधर रेड कलर लगाना है। रेड कलर से बाकी सारे फंदे रेड कलर से बना लेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक फंदा बढ़ाया था इसे भी रेड कलर से बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी कली भी मैंने शुरू करके आपको बता दी है। तो जैसे ये कली हमने बनाई है वैसे ही सारी कली बनानी है। फंदे डालने के बाद आठ फंदे हमने इस कलर से डाले, आठ फंदे इस कलर से, और एक एक फंदा हम सीधी सिलाई में बढ़ाते रहे और उल्टी सिलाई में इधर दो दो फंदे हम छोड़ते गए। तो जैसे ये कली बनाई है और लास्ट में फिर यहाँ चार फंदे हमने बढ़ाए, फिर चार फंदे हमें कम करने हैं और इधर से हमें फंदे छोड़ते जाना है दो दो फंदे। जैसे ये कली मैंने आपको बनाकर बताई है वैसे ही बाकी कलियां बनानी है। पूरा पायदान बनाने में फ्रेंड्स वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए एक ही कली में मैंने आपको पूरा पायदान बनाने का तरीका बता दिया है। तो इसी तरह सारी कलियाँ, 13 कली बनानी है, तो बाकी की 13 कलियाँ भी इसी तरह बनाकर कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स फिर बनने के बाद देखिए मैंने ये एक दो तीन चार पांच कलियाँ यहाँ बना दी हैं, तो पूरा पायदान इसी तरह बनाना है। तो फ्रेंड्स आपको ये पायदान का डिज़ाइन कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।